हेलो दोस्तों, जो जगह आप देख रहे हैं वो अम्ब्रेला है, यानी कि छत्ते हैं, और इसी जगह पे छत्ते बेचे जाते हैं जयपुर में। इसी साथ हम आपको दिखाते हैं कबूतर, जो चुगादान है यहाँ पे। और इसी के साथ दोस्तों, हमारे YouTube चैनल मोनू डेली व्लॉग में आपका स्वागत है। और हमारे चैनल को यूँ ही देखते रहने के लिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। और भी आपको ये देखो दोस्तों, यहाँ नर्सरी है, यानी कि पेड़ पौधों की नर्सरी। इधर बहुत से कबूतर, यहाँ चुगादान है दोस्तों, ये भाई यहाँ पे चुगादान बना रखा है इन्होंने। और इसी के साथ दोस्तों, हम आपको दिखाते हैं रामनिवास बाग का गोल सर्कल, जिसके बीचों बीच नेताजी सुभाष चंद्र बोस की स्मारक बना हुआ है दोस्तों। और इसी के साथ गोल स्मारक के पास हम जाते हैं, जो कि उनकी स्मारक को आपको दिखाएंगे भी दोस्तों। यहाँ पे रोड पे चलना ऐसा ही थोड़ी है दोस्तों, क्योंकि यहाँ रोड पे इतने साधन आते हैं कि कोई भी उड़ा जाए। और इसी के साथ देखो नेताजी सुभाष चंद्र बोस की स्मारक दोस्तों, ये देख रहे हो, नेताजी सुभाष चंद्र बोस इनकी प्रतिमा यहाँ बनाई गई है। और इसी के साथ हम आपको ले चलते हैं अल्बर्ट हॉल। ये अल्बर्ट हॉल के नज़ारे दोस्तों, यहाँ बहुत खूबसूरत सूरत बर्तन है, यहाँ के पुरातात्विक केंद्र के अंदर बहुत पुरातात्विक चीज़ें हैं दोस्तों, बहुत कुछ है दोस्तों यहाँ देखने। एक बार जरूर आइए, देखो सोने के हैं, चांदी के हैं यहाँ पे दोस्तों, बहुत पुराने हैं ये, पुराने ज़माने में दोस्तों जो कि है। और ये पुराने ज़माने में दोस्तों यहाँ पे देखे दोस्तों, ये पुरातात्विक है, बहुत पुराने हैं। और इसी के साथ ये बर्तन देखो पुरातात्विक के दोस्तों, चीनी के बर्तन। इसी के साथ दोस्तों यहाँ बहुत ऊंचे ऊंचे फूलदान भी है। और इसी के साथ दोस्तों आपको दिखाते हैं और कुछ बहुत है, ये बड़े बड़े फूलदान दोस्तों बहुत पुराने तात्विक है अंदर में यहाँ रखे गए हैं, इन्हें छुआ तक नहीं जाता दोस्तों। ये मेरे साथ कुछ और भाई यहाँ देखने आए दोस्तों। और इसी के साथ हम आपको दिखाते हैं, वही देखो दोस्तों यहाँ बहुत कुछ है दोस्तों, यहाँ बहुत कुछ है। यहाँ पे पुराने तात्विक के केंद्र की मूर्तियाँ, जो कि हर प्रकार की मूर्तियाँ मिलेंगी दोस्तों, यहाँ देखने आओ एक बार दोस्तों। यहाँ बहुत कुछ है, मिस्र की सभ्यता की मूर्तियाँ, मुगल काल की मूर्तियाँ, युगलों में सभी प्रकार की देखो दोस्तों। मूर्त कौन से नाम क्या है इसमें। और ये मेरे साथ को और भाई भी है, ये चतुर्भुज इसकी मूर्तियाँ हैं दोस्तों, ये बहुत कुछ है दोस्तों। इसी के साथ हम आपको दिखाते हैं आगे, और आगे हमारे साथ ये भी बने रहिए दोस्तों। इसी के साथ हम आपको ले चलते हैं इसके और भी हिस्सों में, जो कि यहाँ बहुत पुरातात्विक केंद्र में बहुत कुछ रखा है। इनकी आँखें नहीं है दोस्तों, मुँह भी नहीं, इनकी नाड़ नहीं है दोस्तों। और इसी के साथ हम आपको दिखाते हैं जो राजाओं के अस्त्र और शस्त्र रखे जाते थे। ये देखो दोस्तों, यहाँ राजाओं की तलवारें, भाला, और ये राजाओं का जो हाथ में पकड़ के अपनी सुरक्षा कवच है दोस्तों। और ये राजाओं की बहुत पुरानी तात्विक तलवारें दोस्तों। और दोस्तों आप देख रहे हो पुरानी तलवारें, जो कि बहुत पुरानी है, यहाँ एक बार ज़रूर आओ दोस्तों देखने के लिए। इसलिए हम यहाँ देखने आए हैं कि आपको भी दिखाए कि मोनू डेली व्लॉग आपको क्या दिखाता है। और ये देख रहे हो त्रिशूल है, खंजर है, कुलाड़ी है, ये भाला है, ये तीर कमान है दोस्तों, ये देखो तीर कमान, ये बहुत कुछ है दोस्तों, तलवार है, तीर कमान, और एक यहाँ पे राजा जो पहनते थे बंदूकें भी है देखो दोस्तों, बहुत बंदूकें हैं यहाँ पे, तीन बंदूक थी देख रहे हैं आप। और दिखाते हैं आपको बंदूकें दोस्तों, इसी के साथ हमारे साथ यूँ ही बने रहिए। बंदूक ये पहले के ज़माने में बहुत बड़ी बड़ी बंदूकें थी दोस्तों, ये बहुत बड़ी है। और इसी के साथ देखो राजा जी के जो मुकुटा है दोस्तों, जो वस्त्र थे, जो युद्ध में लड़ने के टाइम जो वस्त्र पहन के जाते थे साथ में, ये देख रहे हो शस्त्रहान एवं सित्रान चित्र, ये बहुत पुराना है दोस्तों, ये बहुत बड़ी बड़ी बंदूकें है। और बारूद भी यहाँ पे रखा हुआ है, ये छोटी बंदूक है, ये बड़ी सबसे मोटी बंदूक, इसको यूँ ही नहीं रख सकते हम अपने हाथ में, बहुत भारी है दोस्तों, पकड़ में नहीं आती है। और ये यहाँ पे बहुत बंदूकें हैं। और इसी के साथ हम आपको बड़ी बड़ी चादरें, जो कि पुराने ज़माने में जो बड़ी बड़ी दरियाँ थी वो यहाँ पे स्थित है दोस्तों, देख रहे हो ये जो पैदल यान चलते थे जो राजाओं के महलों में, वहाँ पे ये बछाई जाती थी नीचे पैदल। और ये दोस्तों जो कि वहाँ राजाओं के पलंगों के नीचे ये बहुत बड़ी बड़ी बछाई जाती थी दोस्तों यहाँ पे। इसी के साथ ये देखो फूलदान दोस्तों,
और बहुत कुछ है दोस्तों, देखने एक बार आओ। ये मिचली टाइप के फूलदान बर्तन है अभी दोस्तों, और इधर देखे दोस्तों ये बर्तन है, ये पुराने के अंदर भी है। और दोस्तों फूलदान फूलदान दिख रहे हैं, और दोस्तों सोने चांदी के बर्तन भी है, और यानी सिक्के भी हैं, पुराने बहुत पुराने सिक्के हैं दोस्तों, जो कि यह पुरातात्विक केंद्र में रखे गए हैं। देख रहे दोस्तों, ये मेरे साथ एक भाई था, उसने बोला मैं दिखाता हूँ, चल तू वीडियो बना, मेरे से नहीं बनेगा, इसीलिए वीडियो बना रहा हूँ मैं दोस्तों। पुरातात्विक केंद्र में बहुत कुछ है दोस्तों यहाँ देखने के लिए। देखो गमले फूलदान है, चाय की बाटली है, सब कुछ है दोस्तों यहाँ पे देखिए, और ये बड़ी बड़ी थालियाँ हैं, फूलदान है, यहाँ की कोई बहुत कुछ है दोस्तों। ये देखो दोस्तों, हम इसी के साथ आपको वापस लेके आया हूँ, क्योंकि यहाँ वीडियो थोड़ा उल्टा हो गया था, इसीलिए वापस उसको सीधा करके लाया हूँ, यानी कि उसको सीधा करके लाया हूँ दोस्तों। इसी के साथ मैं आपको और भी कुछ दिखाऊँगा। दोस्तों हमारे YouTube चैनल का यूँ आनंद लेते रहिए और देखते रहिए, यहाँ पे बहुत खूबसूरत नज़ारे, तलवारें, चक्कू, छुर्रा और पुरातात्विक उपरांत है। ये देखो पेटी है, गोलक है, कुछ बहुत कुछ है, और इसी के साथ दोस्तों बहुत कुछ है देखने को। ये हम ऊपर आ चुके हैं और ये पुरानी बहुत और भी पुरानी चीज़ें आ चुकी है, बॉक्स है, यहाँ पर मिस्र की मम्मीज भी रखी गई है पिरामिड में दोस्तों। ये पुराने ज़माने में थे जो लोग ऐसे रहा करते थे। ये यहाँ पे कुल्हाड़ी थी, ये छड़ी, छड़ी बोलते हैं जिसको अपने हाथों में रखते थे पहले, ये छड़ी है, डंडा है, देखो छड़ी लिखा हुआ है अभी दोस्तों। और ये देखो पुरानी बैलगाड़ियाँ दोस्तों, जो इनका प्राकृतिक बनाई गई है, ये भी पुरातात्विक मिलती है जो बनी बनाई हुई थी। ये लाल डिब्बा है, ये भी लाल डिब्बा है, संदूक। और दोस्तों यहाँ ये राजा महाराजाओं के वस्त्र दोस्तों, ये राजा महाराजाओं के वस्त्र थे, और ये हमारे राजस्थानी पहरन पोशाक, ये भी राजस्थानी है, जो राजस्थान में लोग पहना करते थे बंजारे, ये भी राजस्थानी पोशाक है दोस्तों। दोस्तों ये बहुत राजस्थानी पोशाक धरी गई है, जो कि पुराने ज़माने में लोग पहना करते थे, आजकल तो बहुत कम मिलते हैं पहनने वाले, कोई दिखेगा तो दिखेगा, नहीं नहीं दिखेगा दोस्तों। और यहाँ ज़रूर मिलेंगे आपको, जो भी देख सकते हो यहाँ आ सकते हो। और ये पुराने ज़माने में मुंडिया दोस्तों, कैसे लोग थे पहले, उनके यहाँ प्राकृतिक मुंडिया निकाली गई है, जो कि वो ऐसे थे। और इसी के साथ आपको और भी दिखाते हैं दोस्तों, यहाँ कुछ और भी है दोस्तों। यहाँ उनकी जो कि हाथ पूछने का कपड़ा, दरीपट्टी, मैट, सब कुछ है दोस्तों। इसी के साथ यहाँ देखो, इधर चलते हैं, इधर यहाँ पे पुराने ज़माने के महाराज है दोस्तों। यहाँ पे बहुत कुछ है, अरे यार दोस्तों देखते रहोगे आप, यानी कि थक जाओगे। ये पुराने ज़मीन में मम्मी जो क्या बोलते हैं वो थी, ये मिस्रिन में ये राजा महाराजा उनके यहाँ पे रहते थे, जो कि इन्हें रखा गया है, और इनकी ये पुराने ज़माने के बहुत कुछ है यहाँ पे दोस्तों, देखते रहिए। देखो इधर, ये पुराने ज़माने के कीड़े, जो कि छोटे छोटे कीड़े हैं दोस्तों। ये बड़ा कीड़ा था, इसका प्राकृतिक बनाया गया, और ये छोटे कीड़े यहाँ पर रखे गए लाके। और देखो दोस्तों यहाँ कुछ और भी है, यहाँ पे दोस्तों लिखा कुछ और आ रहा है, मुझे पता नहीं दोस्तों। यहाँ और ये बतख, जो कि बतख पहले पुराने ज़माने में चोंच रख कितनी बड़ी होती थी दोस्तों, यहाँ दिखाया जा रहा है बतख है। और यहाँ देखो दोस्तों, यहाँ और भी कुछ है जो कि पुराने ज़माने में थे। ये पुराने ज़माने में दोस्तों जो सेंट छिड़कने का आता था, और मूसली है, खटुला है, जो कुछ भी है कूटने फूटने का है। और ये पुराने ज़माने चित्तर थे, वस्त्र थे या गहने थे। और ये दोस्तों मम्मी इसके जो बैठी रहती थी वो पिक्चर्स है, और ये मम्मीज है, देख रहे हो आप, इनको मम्मीज को यहाँ पे लेटाया भी गया है, जो लेटाया हुई पिक्चर भी है, ये वो क्या बोलते हैं वो थी, ये देखो ये मम्मीज दिख रही है आपको दोस्तों, कितनी बड़ी। पुराने ज़माने डर मत जाना दोस्तों देखते हुए। और देख रहे दोस्तों मम्मीज, जिसको मना कर रखा है मिस्र देश की प्राप्त है सतीश रक्षित मत्र भेद, इनको रखा गया है बहुत पुरानी दोस्तों। यहाँ पे छूना मना है दोस्तों यहाँ छूना मना है, देख सकते हो, वीडियो बना सकते हो, कोई मना नहीं करेगा दोस्तों। यहाँ पे यहाँ गार्ड भी है, इनकी सुरक्षा के लिए गार्ड बहुत है दोस्तों। इसके साथ देखो खुमार है, लोहार है, कताई बुनाई करने वाले लोग हैं दोस्तों, देख रहे हो आप, जो कि पुराने ज़माने जो काम होते थे, सोनी है, सुंदर है, सब बर्तन वाले हैं, जो भी काम करते हैं लोग, वो सब यहाँ उनकी प्राकृतिक रूप बनाए गए हैं, और पुरातात्विक केंद्र में रखा गया है।
गाय है, बकरी है, घोड़ा है, ऊंट है, सब कुछ यहाँ है, लोहार है, सब है दोस्तों, गाय भैंस सबका चित्र बना बना के रखा गया है। ये पुराने जो कि पुराने लोग थे वो ऐसा रहा करते थे, कुछ क्या करते थे, सब कुछ बनाया गया, लोहार है, सुनार है, सब कुछ है दोस्तों, यह सब की प्राकृतिक रूप से बनाया गया है। दोस्तों और कुछ भी देखिए जो आपको दिक्कत है, अभी वीणा जो कि हम बजाते हैं, गिटार है, संगीत है, संगीत सुनने के लिए जो भी यहाँ पुराने ज़माने में थे वो गिटार है, गिटार है, कुछ भी है, वीणा फीणा सब जो कि दोस्तों यहाँ पे रखा गया है, उनको भी बहुत पुराने ज़माने में दोस्तों यहाँ चल औजार थे भजन सुनने के, गीत गिटार बहुत पुराने थे दोस्तों। देखो इसी के साथ ये दोस्तों यहाँ और कुछ भी है जो कि अभी दोस्तों है, ये भी बजाने की थी दोस्तों, पूंगी है, नागिन को बुलाने के लिए वो थी, जो कि सब कुछ है दोस्तों बजाने के लिए। और दोस्तों इसी के साथ यहाँ और कुछ भी है, ये भी बजाने के, इनको भी सुना जाता था, गीत के तौर पे बजाया जाता था दोस्तों। और सबसे बड़ी वीणा है दोस्तों, यहाँ पे देख रहे हो आप, ये सबसे बड़ी वीणा है, बहुत पुरानी है दोस्तों, इसको भी बजाया जाता था पहले, क्या पता कैसे बजाया जाता था। और दोस्तों इधर ढोलक है, मंजीरा है, जो कि सब कुछ यहाँ पे रखा गया है। वीणा भी है जो माँ सरस्वती के हाथ में होती है दोस्तों, वो भी यहाँ पे बहुत बड़ी है। उसके साथ दोस्तों ढोलक, वीणा, सब कुछ, ढोलक है, मंजरी है, ये पुराने ज़माने में दोस्तों टुन टुन करने का आता है, वो दोस्तों यहाँ पे रखा गया है। दोस्तों आप बोलते बोलते थक जाओगे, यहाँ कितना कुछ है, बहुत कुछ है, देखते रहो, देखते देखते आप ऐसे करोगे कितना देखे पुराने ज़माने में जो राजा महाराजाओं के कैसे रहा करते थे, काम करते थे लोग, वो जो सब यहाँ पे पुरातात्विक केंद्र में रखा गया है उनको। ये देखो साधु महात्मा थे जो कैसे रहा करते थे, क्या करते थे, कैसे थे, सब यहाँ लिखा गया है, उनको रखा गया है, उनकी स्मारक बना कर रखा गया है दोस्तों। ये देखो ये साधु है, ये लोहार है, सुनार है, जो भी सब कुछ, ये बस ये जो कि पालकी है, जो कि पहले के ज़माने में ले जाया जाता था रानियों को बैठाया के। दोस्तों बहुत कुछ देख रही, ये देखो योगी योग कर रहे हैं, योगी की तरह रामदेव बाबा ने इनको बताया था योग करो, ये वही आदमी जो योग करते हैं। दोस्तों बहुत कुछ से देखते रहो, यो यहाँ पे देखने के सिर्फ 100 रुपये तो भारतीय कपल्स के है, 2 कपल आओगे 100 रुपये, स्टूडेंट कार्ड है तो 20 रुपये, और अदर आओगे 400 रुपये, यानी कि अदर कंट्री से आते हो इंडिया छोड़ के, उसके पास 400 रुपये हैं, 500 रुपये। ये मुंडिया ही मुंडिया देख लो दोस्तों, बहुत पुराने मुंडिया ही मुंडिया। और यहाँ पे देखो दोस्तों ये और कुछ भी है, ये इसके मुकुटे बहुत ऊंचा है दोस्तों। और हम यहाँ पे दोस्तों घूम चुके, यानी कि इसको पूरा घूम चुके दोस्तों, ये शेषनाग वाला दोस्तों। और ये दोस्तों वापस हम फिर वापस चलते हैं इधर, इसको दिखाने के लिए दोस्तों इधर वापस आ चुके हैं। और यहाँ दोस्तों जो कि लास्ट में बचता है, ये जो कि सोने चांदी के आभूषण वस्त्र जो यहाँ रखे गए हैं, और देवताओं की पिक्चर भी सोने चांदी के घोड़ा है दोस्तों, यहाँ पे सब कुछ है। ये देखो सोने चांदी के दोस्तों जो उनके पंखा है हवा करने का, वो है यहाँ पे है दोस्तों। और दोस्तों इसी के साथ सोने चांदी की ये बहुत कुछ है, और इस सोने चांदी के कप गिलास सब यहाँ पे, प्लेटें चांदी की, नाक की सब यहाँ, बाड़ियाँ सब कुछ, हार वार सब यहाँ पे दोस्तों। ये देखो रहे दोस्तों इस चांदी के, सोने चांदी के आभूषण है दोस्तों, ये तो ऐसे हैं सोने चांदी के नहीं है, इसके आगे सोने चांदी के भी दिखाएंगे आपको आभूषण दोस्तों, ये तो ऐसे हैं। और ये दोस्तों ये हैं जो कि सोने चांदी से मजबूत पुराने ज़माने में बनाए हुए थे दोस्तों, ये देख लो इनको, मतलब जो पैर में पायजेब यानी कि कड़ा कुछ भी जो भी पहनते थे वो पुराने ज़माने में, वो सब कुछ है, इतनी मोटी मोटी भारी भारी है दोस्तों कि बहुत भारी है। और यहाँ पर रेट लिखी हुई नहीं है कितने के हैं दोस्तों, पता नहीं कितने के पहनते थे पहले के ज़माने में दोस्तों। और ये दोस्तों यहाँ पे अंगूठियाँ, चटकियाँ इतनी, जो कि पुराने ज़माने में इतनी भारी भारी चटकियाँ सोने चांदी की बनाई गई है, और जो भी डिजाइनदार दोस्तों कितनी खूबसूरत है। और ये खूबसूरत चांदी के बर्तन है, सोने चांदी के बर्तन है। ये दोस्तों हार है उनके, जो कि हार देखो दोस्तों कितना भारी है, कान के हैं, बहुत पुराने दोस्तों, आपको लग रहा हो ऐसे गले में पहनने के, सब कुछ जुगाड़ है यहाँ पे दोस्तों, बहुत कुछ है।
दोस्तों इसी के साथ देखो ये कान में नाक में पहनने के लिए। यहाँ पे दोस्तों नथड़ी, फिर नथड़ी होती है सबसे बड़ी नथड़ी यही है दोस्तों। ये देखो दोस्तों बहुत भारी है। और ये झुमके कान में पहनने के लिए बहुत बड़े 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 झुमके हैं दोस्तों। दोस्तों इसी के साथ और कुछ भी है यहाँ पे। दोस्तों इसी के साथ सिक्के भी हैं, अलमारियाँ भी हैं, कुर्सियाँ भी हैं पुरानी। ये दोस्तों देखो ये वो गीता पढ़ने के थे, भागवत गीता पढ़ने का है ये, पुराने ज़माने के। और कुछ भी है, ये कुर्सी है, ये मेज है, मेज कुर्सी अलमारी ड्रेसिंग जो बोलते हैं अपने, जो कि दोस्तों ये दोस्तों यहाँ कुछ शीशा वीशा भी है। ये कुर्सी है दोस्तों, पुराने ज़माने छूना मना है। ये मेज है, ये जो कि उनके सामान रखने की जगह थी दोस्तों, उनको मेज नाम से दिया गया है। और इसी के साथ सिक्के, ये हमारे जो कि राजा मुग़ल दरबार में जो भी जितने भी सिक्के चले थे, मुग़ल में, लोधी में, सिक्के में, सब में जितने भी सिक्के हैं दोस्तों, वो यहाँ प्राचीन काल भारतीय यहाँ रखे गए हैं पुराने सिक्के। ये देख लो द्वितीय काल, ब्रिटिश काल, जितने भी सिक्के किसान ने चलाया, किसने चलाया, उन सबका नाम, सिक्का, उनकी मोर तकात मुग़ल काल में ये मुग़लों ने चलाए थे दोस्तों। ये सिक्के देख रहे हो हम मुग़लकालीन सिक्के। ये देखो दोस्तों और भी कुछ सिक्के, बहुत सिक्के दोस्तों यहाँ पे, इतने सिक्के हैं देखते देखते आप ऐसे करोगे सिक्के कितने कहाँ से आए, कितने बनाए, कौन कौन है, सब के नाम लिखे हुए दोस्तों कि कौन कौन कैसे कैसे सिक्के चलाए। ये अलिखित सिक्के, ये लिखित है, कई अलिखित है, जो भी सिक्के तक बनाए थे वो सब यहाँ पे है, जो कि पुरातात्विक केंद्र के अंदर रखा गया है। और ये जयपुर में दोस्तों रामनिवास बाग के अंदर अलबठोल के नाम से इसको रखा गया है, और यहाँ इसके पुरातात्विक केंद्र का नाम दिया गया है। ये पुरानी छड़ है जो कि यहाँ पुरानी चांदी की थी दोस्तों, वो क्या पता क्या क्या बोलते हैं यहाँ पे, नाम नहीं लिखा इनके। और ये और भी कुछ है, ये सोने चांदी के देवता है, ये देवता भी सोने चांदी के, इतने भारी भारी हैं दोस्तों यहाँ पे। ये पुराने क्या जो कि महाराजा स्वाई धारा सिंह उदयपुर का उनका किला है दोस्तों। ये देवताओं की तस्वीरें हैं दोस्तों यहाँ पे। और इसी के साथ दोस्तों हमारे चैनल को यहीं तक बने रहने के लिए बहुत शुक्रिया दोस्तों। और दोस्तों बहुत कुछ है, देखने आओ एक बार, घूम के जाओ, मस्त है। और बर्तन बहुत बड़े बड़े हैं। और दोस्तों ये देखो ये और भी कुछ महल है दोस्तों। ये देखो पुराने का शरीर का जो आत्मा, शरीर की जो आत्मा ऐसे लेके जाते थे पहले के, बताया जा रहा है पे। और ये देखो दोस्तों मृतकों का न्यायालय, ये मृतकों का न्यायालय बताया जा रहा है अभी दोस्तों। दोस्तों देखने के लिए यहाँ पे मज़ा आ जाए, एक बार तो देखते रहिए, घूमते रहिए दोस्तों। ये वापस मम्मी के पास आ गए हम, तो घूमते घूमते पता ही नहीं रहता कि किधर जा रहे हैं, किधर आ रहे हैं। ये दोस्तों बच्चा के तक देख लिया आपने, पहले देखी थी आपने, दिखाया था हमने, फिर देख लीजिए एक बार, कोई चीज़ छूट ना जाए, इसीलिए हम वापस देखने आए कि कुछ रह तो नहीं है। इसीलिए दोस्तों आगे देखते रहिए, यहाँ पे बहुत कुछ है दोस्तों। देखते हम देख रहे थे गेट खुला हो तो उधर चले जाए, नहीं चल सकते हम, वापस नीचे उतरते हैं दोस्तों। मिस्र की सभ्यता की मम्मी यहाँ पे रखी गई है। इसी के साथ हम नीचे के लिए प्रस्थान करते हैं दोस्तों। और ये बहुत कुछ देख चुके हैं, अब घूमते घूमते हम वापस उसी रास्ते जो दिखाए थे आपको लास्ट में, उसी सीन से नीचे जाते हैं दोस्तों। यहाँ लिखा भी हुआ है कि नीचे का रास्ता, सामने जो सीढ़ियाँ दिख रही है वो बंद है, अभी ऊपर जाना मना है, और हम जाएंगे नीचे।